मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट EVS, लेसन 17, आवर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड, यानी हमारे ब्रह्मांड। द अर्थ इज नाउ एज यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट हैज लाइफ ऑन इट। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस पर जीवन है। आप लोग भी जानते हैं कि अगर कहीं पे जीवन है तो वो कहाँ पे है? अर्थ पे है, यानी हमारी पृथ्वी पर ही है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? यूनिक, यानी यूनिक मीन्स क्या होता है? अद्वितीय ग्रह। When we look at the sky, we see the sun, the moon and the stars. जब हम आकाश को देखते हैं तो हम सूर्य, चंद्रमा और तारों को भी देखते हैं। In the vast space, there are galaxies, planets and satellites. विशाल अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं, ग्रह और उपग्रह हैं। इट इज कॉल्ड द स्पेस। इसे क्या कहा जाता है? आपका स्पेस कहा जाता है। आवर स्पेस इट सेल्फ इज ए पार्ट ऑफ दिस वर्स्ट स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल। हमारा अंतरिक्ष ही हमारा विशाल अंतरिक्ष का क्या है? एक हिस्सा है। इस अंतरिक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड, यानी यूनिवर्स कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टार एंड इट्स प्लैनेट्स एक्सेट्रा। हमारे इसमें तारे और उसके ग्रह आदि क्या है? इसमें शामिल हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट हम देखते, देखिए हमारा, देखिए डायग्राम देखिए ये, और देखिए ये किसका डायग्राम है? आपके सन का है। और देखिए इसके पास सबसे पहले क्या है? अपना डायग्राम आप लोग देखिए, मरकरी है आपका, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये आपका सेटर्न है, फिर यूरेनस है, और सबसे ये आपका कौन सा है लास्ट में? नेपच्यून्स है। तो आइए हम अपने अर्थ के बारे में क्या करें और जानकारी लें। फर्स्ट क्या आपका आता है? देखिए स्टार्स। स्टार्स मीन्स क्या होता है? आपके जो आपके सितारे होते हैं, यानी जो तारे होते हैं। देयर आर मिलियन एंड बिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आकाश में लाखों और अरबों तारे हैं। दे आर सीन एट नाइट। उन्हें रात में देखा जाता है। स्टार्स आर हज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड गिव ऑफ हीट एंड लाइट। सितारे गर्म जलने वाली गैसों की विशाल क्या होते हैं? वॉल, यानी गेंद होते हैं, और गर्मी और प्रकाश को ये क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इनके अंदर से क्या निकलती है? गर्मी और प्रकाश, यानी लाइट निकलती है। स्टार्स आर वेरी बिग बट लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। सितारे बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? हमें बहुत छोटे दिखाई देती हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं, और वो पृथ्वी से भी क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। इसलिए हमें कैसे दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। देखिए टाइम टू थिंक में देखिए, यानी सोचने का समय। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है? आपका सौर मंडल होता है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? आपका अर्थ है। द स्पेस ऑफ अवर अर्थ इज स्पेयर वॉल अर्थ इज द प्लैनेट्स ऑन विच बिलीव। हमारी पृथ्वी का आकार कैसे है? आपका स्फीयर, यानी कैसे है? गोलाकार है, यानी गेंद की तरह है। और पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम क्या करते हैं? लीव, यानी क्या होता है? रहना है। तो पृथ्वी वह ग्रह है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक। और यह जो हमारा पृथ्वी है ये किससे बना होता है? रॉक, यानी चट्टानों से बना होता है। अवर प्लैनेट इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर एंड गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारा जो ग्रह है हवा की एक परत से घिरा हुआ है और सूर्य से गर्मी और प्रकाश प्राप्त करता है। ऑल दीज फीचर्स मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। और सूर्य
और सूर्य से क्या करता है, जो सूर्य होता है वो हमें क्या देता है, प्रकाश और गर्मी देता है। और ये सभी की विशेषताएं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, इसमें क्या विशेषता है, इसका फीचर क्या है कि पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है वो संभव है, यानी पृथ्वी पर जीवन को क्या करती है, पृथ्वी संभव बनाती है। फिर इट इज़ द ओनली नाउ प्लैनेट्स दैट सपोर्ट लाइफ, यह एकमात्र एकजात ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है। ये देखिए स्टार्स मून, ये आपका मून बना हुआ है यानी चंद्रमा, और ये इसके साइड्स में क्या बने हुए हैं, आपके स्टार्स यानी तारे बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इन कवर्ड बाई वाटर, पृथ्वी की अधिकांश सतह पानी से क्या है, आच्छादित है यानी पानी से ढका हुआ है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर भाग जो किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट्स कहते हैं। द ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब पृथ्वी का एक क्या होता है, मॉडल होता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 365 वन अपॉन फोर डेज, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और 365 दिनों में एक चक्कर में पूरा करती है। रिवॉल्यूशंस ऑफ अर्थ केसेस सीजन्स, अर्थ आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी के जो क्रांति का कारण कौन बनता है, जो पृथ्वी में रिवॉल्यूशन होता है उसके कारण आपका क्या होता है, जो मौसम हमारा आता है आपका ग्रीस गर्मी का और ठंडी का और बरसात का, तो ये किसके कारण होता है, ये सब रिवॉल्यूशन के कारण होता है। और जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ केसेस वाई केसेस डे एंड नाइट, पृथ्वी का घूमना दिन और रात का कारण बनता है। जब हमारी अर्थ क्या होती है, घूमती है, तो उसके कारण क्या होता है आपका, डे एंड नाइट यानी दिन और रात होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है आपका, मून। मून मींस क्या होता है आपका, चंद्रमा यानी चांद होता है। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इट इज ए ओनली विजुअल इज इन द नाइट स्काई, यह केवल रात के आकाश में, ये क्या होता है, केवल रात में आकाश में क्या होता है, दिखाई देता है हमें। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसका क्या होता है, चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट, ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वो होता है, पड़ता है उसमें, तो उसका प्रकाश रिफ्लेक्शन यानी उसका प्रकाश क्या होता है, चंद्रमा पर पड़ता है और हमें क्या लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है। इसीलिए इसमें क्या बताया आपके चंद्रमा के, कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। यह केवल रात के आकाश में दिखाई देता है और उसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और यह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, दर्शाता है। द मून कीप्स चेंजिंग इट्स शेप, इट्स टेक 29 डेज टू रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा अपना आकार बदलता रहता है और पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसको कितने डेज लगते हैं, 29 डेज लगते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सन। सन मीन्स क्या होता है आपका, सूर्य होता है। द सन इज ए स्टार, जो सूर्य है वो भी क्या है आपका, एक तारा है। इट इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, यह गर्म गैसों की एक विशाल क्या है, बॉल है यानी गेंद है।
इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, यह हमें गर्मी और प्रकाश देता है। द रीजनिंग इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग, यह सुबह क्या होता है उगता है और शाम को क्या होता है इसका सूर्यास्त होता है यानी सेट्स होता है। सेट्स यानी सूर्य को डूबने को हम क्या कहते हैं सेट्स कहते हैं। द टाइम बिटवीन सनराइज राइज एंड सनसेट इन द डे टाइम, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय दिन का समय होता है। द टाइम आफ्टर सनसेट इज द नाइट टाइम, तो इसमें क्या बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद का समय रात का समय होता है। जब सूर्यास्त हो जाता है यानी इवनिंग यानी शाम होती है उसके बाद किसका टाइम होता है आपका रात का टाइम होता है। तो आपको सेट्स मीन्स पता, सेट्स ये आपके डिफिकल्ट वर्ड में आता है। सेट्स मीन्स क्या होता है अस्त होना यानी डूबना, और इसका रीजन्स मीन्स क्या होता है आपका ये आपका सूर्योदय यानी सूर्य के निकलने को हम कहते हैं और सूर्य डूबने को सेट्स कहते हैं। फिर देखिए टाइम टू थिंक में, इफ़ द अर्थ वर ए लिटिल्स मोर हॉटर द वाटर वुड हैव इफ इट वर ए लिटिल कोल्डर द वाटर वुड है फ्रोजन, यदि पृथ्वी थोड़ी अधिक गर्म होती है तो पानी बाष्पित हो जाता है, अगर यह थोड़ा ठंडा होता है तो पानी क्या हो जाता है आपका जम जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसमें आपका क्या है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द, किसका मॉडल है ये आपका अर्थ का, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर देखिए, द सन इज ए वॉल ऑफ हॉट गैसेस, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा हॉट गैसेस। रिवॉल्यूशंस ऑफ द केसेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सीजन्स हो जाएगा बी नंबर। और फोर नंबर स्टार्स है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर देयर ओन लाइट। फिर फिफ्थ नंबर देखिए, द अर्थ नेचुरल सेटेलाइट इज द मून, तो इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ नंबर का बी हो जाएगा आपका मून हो जाएगा। फिर देखिए राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स यानी कथन आपका सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट देखिए, स्टार्स आर यूज बॉल ए हॉट बर्निंग गैसेस, ये आपका ट्रू है। अर्थ इज ए मेड ऑफ रॉक्स एंड द शिप्ड लाइक अ बॉल, ये भी आपका ट्रू है। फिर नेक्स्ट पेज देखिए आप, द सन इज द अर्थ नेचुरल सेटेलाइट, ये आपका फॉल्स है। फिर फोर नंबर देखिए, द टाइम आफ्टर सनसेट इज द नाइट टाइम, ये आपका ट्रू है। फिर फिफ्थ नंबर देखिए, द मून टेक 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये भी आपका क्या है फॉल्स है। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या करेंगे ये कुछ हमें वर्ड दिए गए इसे हमें करेक्ट वर्ड को क्या करना है इसमें फिल करना है यानी भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का लाइट हो जाएगा। सेकंड देखिए, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, तो सेकंड का आंसर आपका मॉडल हो जाएगा। थर्ड देखिए, अर्थ इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट्स, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। फोर देखिए, मून टेक्स 29 डेज, तो फोर का आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, द सन इज ए बॉल ऑफ हॉट गैसेस, यानी इसमें क्या हो जाएगा हॉट मीन्स क्या होता है गर्म, गर्म गैसों से मिलके बना, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा हॉट। फिर नेक्स्ट देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि विच इज द यूनिक प्लैनेट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट्स। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेन डू बी सी स्टार्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी सी स्टार एट नाइट। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ए रिवॉल्यूशंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मूविंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। फिर फोर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए रोटेशन, इसका आंसर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द सन इज ए वॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस।
फिर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि व्हाट इज ए स्पेस, तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 102 में देखिए इसका आंसर, ये देखिए स्पेस, इसका आंसर यहाँ से है आपका इट इज द एरिया से लेके कहाँ तक है आपका यहाँ तक एक्सिस तक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज ए यूनिवर्स, तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 100 में आवर स्पेस इट सेल्फ इज ए पार्ट से लेके आपका कहाँ है कहाँ तक इसका आंसर है यूनिवर्सल तक इसका आंसर है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है व्हाट आर स्टार्स, यानी स्टार्स क्या है, तो इसके आंसर आप देखिए पेज नंबर 100 में ही यहाँ से स्टार आर से लेके आपका इसका आंसर कहाँ है कहाँ तक है हीट एंड लाइट तक इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ए ग्लोब, तो इसका आंसर यहाँ पे है देखिए पेज नंबर 101 में द अर्थ सरफेस से लेके इसका आंसर कहाँ तक है ब्लू प्लैनेट, सॉरी इसका आंसर यहाँ से है आपका द ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ, ये आपका क्या है 4 का आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई डू वी कॉल अर्थ एज ए ब्लू प्लैनेट्स, तो इसका आंसर आपका 5th वाला कहाँ से है यहाँ से द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स, तो ये आपका 5th का आंसर है। इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ, आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।